यू गेट वन शॉट एंड दैट्स इट. तुम्हें जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते, तुमको एक मौका मिलता है, बस एक मौका मिलता है खुद को एक विनर साबित करने का, अपने लूजर के टैग को हटा के फेंकने का. और आखिर में ये सब कुछ, ये शोहरत, ये पैसा, ये सब कुछ एक दिन खत्म हो जाना, मिट्टी में मिल जाना. तुम क्या लेके आए थे जो क्या लेके जाओगे, ये बात हमेशा याद रखना. घड़ी चलना कभी बंद नहीं करती, ये हमेशा ध्यान रखना. जो काउंटडाउन है हमारी जिंदगी का, वो बस कुछ ही दिन है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा के लिए यहाँ हो. जो क्या ना, कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है जिनको ऐसा लगता है कि यार चल रहा है तो चलने दो, जो है सो है. लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारे पास टाइम जो है ना, बस वो लिमिटेड है. बाकी चीज़ें हो सकता है अनलिमिटेड हो, फाइनाइट ना हो, पर टाइम एक ऐसी चीज़ है जो फाइनाइट है. हम सबको एक बहुत बुरी बीमारी, और उस बीमारी का नाम है इंतज़ार. इंतज़ार किसका? ये बात भी तो आती है ना. तो इंतज़ार है तैयार होने का, इंतज़ार है सही वक्त के आने का, इंतज़ार है कॉन्फिडेंट फील करने का, इंतज़ार है अपने सपनों के हकीकत में बदल जाने का बिस्तर पर बैठे बैठे. इंतज़ार है अपनी हर एक उस ख्वाहिश का जो पूरी नहीं हो पाई, उसके पूरे हो जाने का. तुम इंतज़ार कर रहे हो कि तुम्हारे अंदर जो सारी चीज़ें हैं, हिम्मत, ताकत, पेशेंस, फोकस, ये सब कुछ चीज़ें साथ में आ जाए, इस चीज़ का तुम इंतज़ार कर रहे हो. तुम इंतज़ार कर रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे वैसे आ जाए, तुम इंतज़ार कर रहे हो कि तुम्हारा वज़न कम हो जाए. लेकिन तुमको यही एक चीज़ है जिससे डरना चाहिए, तुम्हें डरना चाहिए इंतज़ार करने से. मैं डरता हूँ, मैं डरता हूँ जब कुछ दिन गुजर जाते हैं और मैं शांत रह जाता हूँ कि आखिर मैं शांत क्यों, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, मैं चल क्यों नहीं रहा. इसीलिए तुमको भी ये चीज़ तय करनी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा खुद को कि ये आज का ही दिन है जब मैं इंतज़ार करना बंद करूँ. इंतज़ार करना बंद करूँगा क्यों? क्योंकि एक होती है ना उम्मीद की छलांग. अगर तुम उम्मीद की छलांग को लगाना चाहते हो तो तुमको इंतज़ार की इस गंदी आदत को छोड़ना पड़ेगा, वरना छलांग लगाओगे ही नहीं और इंतज़ार करते रह जाओगे कि कोई सीढ़ी ला के रख. हम इंतज़ार नहीं करेंगे, हम काम करेंगे. ये हमको खुद से बोलना है, हम काम करेंगे, हम हार्डवर्क करेंगे. क्योंकि जितने भी बार तुम कुछ भी काम करते हो, भले ही वो छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, लेकिन उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उस चीज़ के रिजल्ट्स होते हैं, और बदले में तुमको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, तुमको रिवॉर्ड मिलता है. और रिवॉर्ड हासिल तुमको कैसे करना है ये मैंने तुमको अभी बताया. तुम्हें काम करना है, तुम्हें बैठना नहीं है, तुम्हें इंतज़ार नहीं करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है. इस चीज़ से भागो मत. जितना ज़्यादा भागोगे उतना ज़्यादा तुमको ही दिक्कत होगी. ये चीज़ को ध्यान रखो, तुम्हारे ही हाथ में है इन सब चीज़ों को हासिल करना. बस तुम्हें इंतज़ार करने की उस बुरी आदत को छोड़ना पड़ेगा. तुम चाहो तो तुम उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, तुम चाहो तो तुम उस इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकते हो, तुम चाहो तो तुम क्लास में टॉप भी कर सकते हो. लेकिन बस अगर तुम चाहो. नेल्सन मंडेला ने किया, वो जानते थे कि वो सही थे इसलिए उन्होंने किया. महात्मा गांधी ने किया, उनको तो पता भी नहीं था कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको खुद पे भरोसा था कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं कर लूँ. मदर टेरेसा ने किया, उनको पता नहीं था उन्हें मदद मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, लेकिन उन्होंने फिर भी किया. मार्टिन लूथर किंग ने किया, उन्हें भी नहीं पता था कि ये चीज़ कैसे होगी, उनसे पहले तो ऐसा कुछ किसी ने किया ही नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने किया. और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या है कि जब तुम अपने आप को कमिट कर देते हो कि हाँ तुम्हारे अंदर है हिम्मत, तुम ये चीज़ कर सकते हो, ये चीज़ तुम खुद को बोल देते हो, तो आधी चीज़ तो तुमने वहीं कर दी. और एक बार तुमने खुद को ये भरोसा दिला दिया कि तुम ये चीज़ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तो तुम ऑलरेडी अपने अंदर से काम करना चालू कर देते हो. हो सकता है तुम उस समय परफेक्ट ना लगो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना. लेकिन सबसे अमेजिंग बात क्या है कि वो काम तुमको आता हो या ना आता हो, अगर तुमने उसको करना शुरू कर दिया है तो इवेंचुअली यू विल फिगर इट आउट. हर कोई सुन रहा है इस बात को, हर कोई देख रहा है तुमको, हर कोई ऑब्जर्व कर रहा है तुमको, तो शुरू करो ना यार. जब हमको शो दिखाना ही है तो क्यों ना वो शो अब तक का सबसे शानदार शो हो. वो जो घड़ी टिक 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 करके चलती जा रही है ना, उससे लड़ो. क्योंकि उस घड़ी से अगर तुमने लड़ लिया और उस घड़ी से तुम जीत गए, तो तुम्हारे पास एक वो चीज़ होगी जो ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को मिल पाती है, और वो है वक्त, टाइम, जो इंतज़ार करने वालों को कभी नहीं मिलता. और जितनी जल्दी ये चीज़ करना शुरू करोगे ना, जितनी जल्दी ये गेम खेलना शुरू करोगे, उतनी ही जल्दी तुम ट्रैक पे भी पहुंच पाओगे.
उतनी ही जल्दी तुम अपनी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर बना पाओगे, हेल्दियर बना पाओगे, वेल्दियर बना पाओगे, स्ट्रॉन्गर बना पाओगे, स्मार्टर बना पाओगे, बेटर बना पाओगे। तो जब इंतजार ना करने के इतने फायदे हैं, इंतजार करने का क्या फायदा है? सोच के देखना। जय हिंद, जय भारत।